अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना संजोए हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों के लिए सहायक शिक्षक भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्रों की अपील को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सहायक शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के भरोसे को रिकॉर्ड में लिया है, जिसमें कहा गया है कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। इस फैसले से अब कुल 67,867 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इनमें से 31,277 पदों पर योगी सरकार नियुक्ति दे चुकी है। अब 37,339 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सर्वोच्च अदालत ने 24 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने यूपी सरकार के 60% और 65% कट ऑफ को सही ठहराया। अब बचे हुए 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जल्द हो सकेगी। शीर्ष कोर्ट के आदेश से पहले हुई 31,277 पदों की चयन सूची पर उठ रहे विवादों पर भी विराम लग जाएगा। बता दें कि शिक्षक भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। योगी सरकार के 31,661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। यूपी में लगभग 2 वर्षों से प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इस विवाद के कारण अधर में लटकी थी। पहले ये भर्ती कट ऑफ अंक को लेकर हाई कोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर ऐन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी थी। शिक्षा मित्रों ने कोर्ट में दावा किया था कि लिखित परीक्षा में लगभग 45,000 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था। उत्तरमाला के मुताबिक 45 से 40 अंकों पर 37,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली भर्ती में ये नियम लागू था। वहीं राज्य सरकार ने मौजूदा कट ऑफ को 60% से 65% कर दिया, जिसके बाद ये विवाद पैदा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया को सही ठहराया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर मौजूदा कट ऑफ 60% से 65% के आधार पर भर्ती होगी। योगी सरकार ने सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा है कि इससे बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। बाकी बचे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि फैसले ने योगी सरकार के हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की योजना पर मुहर लगा दी। सतीश द्विवेदी ने सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।